अभी तक नाइट्रोजन के ऑक्सो अम्ल और फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल कर लिए। तीन प्रकार के और ऑक्सो अम्ल हम करेंगे इसमें। एक होते हैं हमारे मेटा एसिड्स, दूसरा होता है हमारा पाइरो एसिड्स और अगला होता है हमारा हाइपो एसिड्स। ठीक है, मेटा एसिड, पाइरो एसिड, हाइपो एसिड। मेटा एसिड का मतलब आप एक मॉलिक्यूल से एक H2O रिमूव करो तो आपका मेटा एसिड बनेगा, दो मॉलिक्यूल से एक H2O रिमूव कर दो पाइरो एसिड बन जाएगा, और वहीं दो मॉलिक्यूल से अगर आपने एक H2O2 रिमूव कर लिया तो आपका हाइपो एसिड बन जाएगा। चलिए हम लेते हैं फॉस्फोरस अम्ल, ठीक है ना, H3PO3। तो फॉस्फोरस अम्ल के पाइरो एंड हाइपो एसिड बनाने की हम कोशिश यहां पर कर रहे हैं। तो हमारा ये फॉस्फोरस अम्ल है, इसमें दो एच जुड़े रहते हैं, दैट इज एच एंड डबल बॉन्ड ओ, फॉस्फोरस अम्ल है। इसके हमें पाइरो एसिड बनाने के लिए दो मॉलिक्यूल लेंगे। लीजिए दो मॉलिक्यूल ले लिए, पी एच डबल बॉन्ड ओ देन OH। तो यहां से आपने एक H2 रिमूव कर दिया तो आपका बन जाएगा पाइरो फॉस्फोरस अम्ल। तो ये बनेगा आपका पाइरो फॉस्फोरस अम्ल, HP डबल बॉन्ड O देन OH देन OP डबल बॉन्ड OH एंड OH। ठीक है, बेसिसिटी यहां पर टू होगी। देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच टू ऑक्सीजन दो है, तो बेसिसिटी इसकी भाष्मिकता कितनी हो जाएगी आपकी टू हो जाएगी। तो ये तो है आपका पाइरो फॉस्फोरस अम्ल। ठीक है, अब हाइपो बनाने की कोशिश करेंगे। हाइपो बनाने के लिए हम दो मॉलिक्यूल इसके लेंगे, तो हमें कितना क्या हटाना रिमूव करना है, H2O2 रिमूव करना है। तो लीजिए HP डबल बॉन्ड O देन OH 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 P डबल बॉन्ड O H एंड OH। तो एक H2O2 इसमें हटाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, हाइपो एसिड बन जाएगा। तो हाइपो एसिड आपका कुछ ऐसे बनेगा, P डबल बॉन्ड O देन OH देन PH डबल बॉन्ड O देन OH। ये आपका क्या बन गया, पाइरो फॉस्फोरस अम्ल। तो इसकी भी बेसिसिटी कितनी है आपकी, टू है। बेसिसिटी देखो यहां पर भी टू है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच टू ऑक्सीजन कितने हैं, टू है। तो ये है आपका क्या है, पाइरो एंड हाइपो एसिड्स के स्ट्रक्चर। ठीक है, मेटा एसिड्स का आप खुद बनाने की कोशिश करें। थोड़ा सा हिंट यह है, एक बहुलक रूप में पाया जाता है, ठीक है ना, बहुलक H3HPO3 का होल एन इस फॉर्म में पाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करना, नहीं तो हम इसको अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुलक के रूप में होगा मेटा फॉस्फोरिक एसिड, इसका आप बहुलक बनाने, सॉरी इसका मेटा फॉर्म में इसको बनाने की कोशिश करना। एक H2 आपको रिमूव इसमें से करना है, कुछ नहीं लेना आपको, H3PO3 लेना, सॉरी H3PO3 या 2 लेना, उसमें से आपको एक H2 रिमूव करना है, तो सीधा आपका मेटा एसिड आपका बन जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और चीज़ आपको बताएंगे। थैंक यू।